पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत जिसे तपस्या की श्रेणी में रखा गया है वो एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत के अंदर ये सामर्थ्य है जाने अनजाने में अनेकों जन्मों के पापों को नष्ट करने के लिए ये व्रत ही अकेला काफी है। एकादशी व्रत हम क्यों करते हैं? शास्त्र कहते हैं 11 जगह से ही हमसे अपराध होता है, पाप होता है। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इस तरह से मिलाकर 11 होते हैं यानी एकादश। ये जो अब एकादशी आएगी, इस एकादशी को कहते हैं परिवर्तनी एकादशी। बहुत से नाम है, पद्मा एकादशी भी कहते हैं, जयंती एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी वाले दिन ही भगवान करवट बदलते हैं, और जब करवट बदलते हैं तो इसे कहते हैं परिवर्तनी एकादशी, और अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। आप सभी को जल झूलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की एकादशी 26 तारीख को रखी जाएगी, क्योंकि 25 तारीख को लोग रख रहे हैं, लेकिन दसवीं से युक्त होने के कारण अगले दिन 26 तारीख को बामन द्वादशी भी है और एकादशी भी है, तो इस उसमें हमें इस द्वादशी का ही चयन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन यदि व्रत को और चौगुना फलदायी बनाना है तो अर्धरात्रि को जागरण करें, यानी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यदि कोई कीर्तन करता है, यानी मध्य रात्रि में 12 बजे तक यदि कोई कीर्तन करता है, तो उसके जीवन के समग्र कष्ट, दरिद्रता, जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उस व्यक्ति को, उन सब का हरण भगवान वासुदेव कर लेते हैं। कहते हैं एकादशी वाले दिन भगवान के समक्ष कीर्तन करने वाले को भगवान ऐसे उस व्यक्ति के प्रिय हो जाते हैं, उसको इतना प्रिय समझते हैं, उसके समीप ही नृत्य करने लगते हैं। इतना बड़ा शास्त्रों में एकादशी वाले दिन अर्धरात्रि यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में जो कीर्तन किया जाता है उसको जागरण कहते हैं। दीपक जला करके बड़े आनंद के साथ महामंत्र का, कोई भी भगवान की संकीर्तन का, भजन का अवश्य कोई ना कोई आयोजन एकादशी वाले दिन अवश्य करें। इसलिए आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की, बामन द्वादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।